स्वागत है आपका रसोई खास में। आपने मेथी के पराठे खाए होंगे, पालक के पराठे खाए होंगे, कभी बथुए का पराठा ट्राई किया है? तो चलिए आज बनाते हैं बथुए के पराठे। बथुए के पराठे बनाने के लिए आपको चाहिए बथुआ 1 कप, गेहूं का आटा 2 कटोरी, ज्वार का आटा 1/2 कटोरी, ज्वार का आटा ऑप्शनल है, लहसुन की कलियां करीब 4 से 5 बारीक कटी हुई, 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आपको स्पाइसी ज़्यादा पसंद हो तो आप 2-3 भी डाल सकते हैं, धनिया के पत्ते, अजवाइन, ज़ीरा, नमक और लाल मिर्च। तो चलिए अब शुरू करते हैं बनाना बथुए के पराठे। अब एक बड़े बाउल में गेहूं का आटा, ज्वार का आटा, धनिया, बथुआ, हरी मिर्च, लाल मिर्च पाउडर, लहसुन, ज़ीरा, अजवाइन सब सारे इंग्रेडिएंट्स डालकर अच्छे से मिक्स कर लें और फिर थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आटे को गूंथ लें। आटा गूंथ गया है, अब हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए रेस्ट पे रखेंगे और इस तरीके से छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। अब बेलन की मदद से ये पेड़े को बेल लें और कुछ इस तरीके से पराठा रेडी कर लें। अब दूसरी तरफ तवा गरम करें, फ्लेम हाई होनी चाहिए और पराठे को सेक लें। जब एक तरफ पराठा सिक जाए तो उसे पलट कर तेल लगा लें और उसी तरह पराठे को दूसरी तरफ भी सेक कर उस पे तेल लगा लें। अब पराठे को थोड़ा दबा दबा के हमने सेक लिया है और दोनों तरफ से पराठा पक चुका है। बस लीजिए, तैयार है आपके बथुए के पराठे। अगर आपने आज तक बथुए के पराठे नहीं खाए हैं तो ये ज़रूर बनाइएगा और हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको हमारी ये रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर और कॉमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।